Okay, shall we start, guys? Everyone is there now? Am I audible? Harshnik and Harsh, she is not in the room. Harsh bhi gaya? Are? Let them come, right? Now, listen. आज कॉर्निशियन कंपाउंड के अंदर वी हैव टू स्टार्ट विद स्टीरियोआइसोमेरिज्म, राइट? यस सर। देखो यार, इन दोनों को आने दो, आज खत्म हो जाएगा क्या कॉर्निशियन? हाँ, ठीक है। सुनो यार, अभी आइसोमेरिज्म में क्या है, देखो आइसोमेरिज्म के अंदर ना द मेजर टॉपिक वी हैव टू डू इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म के लिए मेरे पास दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, राइट? वन इज योर ज्योमेट्रिकल, अदर इज योर ऑप्टिकल। नहीं यार, रुको एक मिनट, दो मिनट दो। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, राइट? Okay, now listen. Two type of isomerism is there, one is geometrical, other is optical, ठीक है? Now geometrical isomerism वो molecules देते हैं जिसके अंदर ना group should be in the same plane. Generally, ठीक है? कौन कौन से compound तुम्हारा geometrical isomerism देते हैं? एक square plane और एक octahedral. Now, one shortcut I'm telling you, take care. The thing is platinum plus 2, palladium plus 2, and gold 3 plus. They always form square planar complexes. They always form square planar complexes with any ligand. चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो या वीक फील्ड लीगेंड हो, तुम्हारे ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, गॉट इट? तो आगे से अगर तुमको कोई भी एग्जांपल लिखना हो तो प्लैटिनम 2 प्लस, पैलेडियम 2 प्लस एंड गोल्ड 3 प्लस याद रखना, आई विल गिव यू अ नाइस एज ओवर एवरीथिंग। नाउ ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स के अंदर यू विल हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Now, optical isomerism will be shown by a compound where the coordination number is 4, tetrahedral, or coordination number 6, octahedral. Got it? Yeah. One check. Okay. Done. Now, next thing. Now we'll start with your geometrical isomerism, right?
रिप्लाई दे दो यार, कहाँ हो? ओके, लिसन, कॉर्निशियन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऑल द ग्रुप्स आर इन द सेम प्लेन, राइट? सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस विल बी वाई एक्सिस। एग्रीड? यस, एग्रीड। नाउ लिसन, I'll just come to the very first type of complex formation here, that is MA4. इसका क्या मतलब होता है? I have a central metal atom M and I have four ligand associated with it and all the four ligands are same. For example, platinum plus two Cl minus ले लो, तो Cl four two minus, तो ये तुम्हारा square planar complex होगा कि नहीं होगा? बिकॉज प्लेटिनम होगा प्लस टू है और चारों सेम लीगेंड है, ठीक है यार? एक बात बताओ, इसके अंदर कोई तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रही है क्या? सारे हैलोजन है, राइट? तो कोई सेम साइड पे, कोई अपोजिट साइड पे है क्या? नहीं। और हमेशा रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अगर कोई पोजिशन है, ठीक है, कौन कौन सी पोजिशन है? जब सिमिलर ग्रुप्स होते हैं ना, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। अगर नंबरिंग करने के बाद 1 एंड 2 पोजीशन, मतलब जहां पे 90 डिग्री एंगल है, 2 एंड 3 पोजीशन, 3 एंड 4 पोजीशन एंड 1 एंड 4 पोजीशन, द एंगल इज 90 डिग्री। सो वेन एवर द टू सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट, हेयर और हेयर, इट इज नोन एज सिस कॉन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? सिस सिस। नाउ 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4, that is at an angle of 180 degree, and with an angle of 180 degree it will be known as trans configuration. Getting it? या So I have cis configuration, I have trans configuration. What are trans configuration? When the similar groups are at the position 180 degree to each other. Got it? Understood? Yes, sir. Yeah. Now listen, I have second example MA3B. यार एक बार बताओ, तीन सिमिलर लीगेंड है तो क्या मतलब तुम्हारे पास कोई भी एक सिमिलर पेयर है क्या? अगर ए ए और ए डालूंगा तो तुम बोल सकते हो ना 90 डिग्री भी और 180 डिग्री भी है, तो ना तो एसिस होगा ना तो ट्रांस होगा, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट? गॉट इट? हर सर्च ने Am I audible? Harsh, Harshni, am I audible? Yes, sir. Okay, just listen. हम geometrical isomerism कर रहे थे। geometrical isomerism के अंदर हमें square planar करना और octahedral complex करना कल ही बताया था। Now एक shortcut है square planar बनाने के लिए, platinum 2 plus, palladium 2 plus और gold 3 plus, ये तीनों cation ऐसे हैं, अगर इनका coordination number 4 है, कोई भी लीगेंड लगाओ, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो, चाहे वो वीक फील्ड लीगेंड हो, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। गॉट इट? पॉइंट नंबर 1 क्लियर? वेरी गुड। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की हम लोगों ने, मैंने बताया कि अगर दो सिमिलर ग्रुप्स 90 डिग्री पर हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 पोजिशन या 2 3 पोजिशन, 3 4 पोजिशन और 4 1 पोजीशन, तो ये सिस होगा। और अगर दो सिमिलर ग्रुप
180 डिग्री पर है तो इट इज नोन एज ट्रांस। बात समझ में आई? हाँ तो मैंने पहले MA4 लिया, MA4 के अंदर सारे ग्रुप सेम थे, तो सेम 90 डिग्री है, सेम 180 डिग्री है, तो ना तो सिस था ना ट्रांस था, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसमें। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। गॉट इट? हियर MA3B के अंदर भी दो सिमिलर ग्रुप के बीच में 90 डिग्री है और दो सिमिलर ग्रुप के बीच में 180 डिग्री है, अगेन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट। नाउ आई विल जस्ट कम टू अ पॉइंट वेयर आई हैव MA2B2 और MA2BC, एटलीस्ट मेरे पास एक पैर है जो सेम है, से यस और नो। नाउ एग्जांपल ले लो, प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2, प्लैटिनम 2+ था, Cl-1 है, तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल। प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस एंड Cl ले लो, Br ले लो, कोई डाउट इसके अंदर? ये आ गए एग्जांपल्स, ए का मतलब सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड, बी का मतलब सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड, गॉट इट? या नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस प्लैटिनम अमोनिया अमोनिया 90 डिग्री टू ईच अदर, देन क्लोरीन क्लोरीन विल बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ऑटोमेटिकली विल बिकम सिस, एंड प्लैटिनम वेर अमोनिया एंड अमोनिया आई एम कीपिंग इट एट 180 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली बोथ द क्लोरीन विल कम एट 180 डिग्री, इट इज नोन एज ट्रांस, गॉट इट? Similarly, instead of chlorine, if I have bromine, then chlorine and bromine are at 90 degree, it is cis, and chlorine and bromine are at 180 degree, it is trans. कोई और possibility है क्या इसके अंदर? दो ammonia 90 degree पे आ सकते हैं, 180 degree पे आ सकते हैं, कोई और possibility दिख रही है तुमको? नहीं, नहीं ना? Understood that point? Now next. You have example like MAB whole square, मतलब AB का मतलब पता है? It is जब भी किसी को bracket के अंदर लिखते हैं ना, it is bidentate ligand, जिसमें जो दोनों donor atom है ना वो different है, it is not symmetrical. तो example glycinato, glycinato के अंदर तुम्हारे पास NH2 group है, CH2 group है, and C double bond O- है, तो आई डू हैव एन ओ माइनस डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर, इसको ना हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई हैव अ नाइट्रोजन डोनर एंड एन ऑक्सीजन डोनर, ठीक है? अब प्लैटिनम 2+ है, ग्लाइसिन के पास ओवरऑल -1 चार्ज है, तो PtGly होल स्क्वायर लिखूंगा, तो तुम्हें पता है स्क्वायर प्लेनरी बनाने वाला है कॉम्प्लेक्स, तो प्लैटिनम ले लो, जब दोनों नाइट्रोजन डोनर 180 डिग्री पर हैं, सॉरी 90 डिग्री पे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो दोनों नाइट्रोजन डोनर 90 डिग्री पे हैं, इट इज सिस, एंड व्हेन बोथ द नाइट्रोजन डोनर आर एट 180 डिग्री लाइक दिस, इट इज ट्रांस। बात समझ में आई? हाँ, चलो ग्रेट, आगे चलें। Now, geometrical isomerism in a compound where the molecular formula is MABCD. चारों ligands अलग अलग हैं, MABCD. Square planar complex की बात करो तो platinum ले लो, ammonia ले लो तो भी 2+ ही रहेगा, water भी neutral है तो भी 2+ रहेगा, एक chlorine ले लो, +1 बचा platinum पे, और एक bromine ले लो, Br- ले लो, तो net charge कितना आ गया इस complex के ऊपर? अरे बाबा, 0, 0, -1, -1, ये +2, नेट चार्ज कितना है? 0 इज अ न्यूट्रल, राइट? अब सोचो, मेरे पास प्लैटिनम है, जब मेरे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तो इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, राइट? अब चक्कर क्या है, ये चार लीगेंड में से मैं एक लीगेंड यहाँ पे फिक्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अमोनिया फिक्स कर दिया, After fixing one ligand, shall I say that I have three possibilities whereby I can have three different ligands over there. I can have water, I can have chlorine, and I can have bromine. So how many possibilities I have? Three. So I'm having three geometrical isomers. जिसमें यहाँ पे water आएगा तो यहाँ पे chlorine bromine आ जाएगा,
फिर यहाँ पे अमोनिया है तो यहाँ पे क्लोरीन एंटा हो जाएगा, तो यहाँ पे वाटर और ब्रोमीन आ जाएगा। और अगर प्लैटिनम है यहाँ पे अमोनिया है तो अमोनिया के एडजस्ट में ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा वाटर और क्लोरीन आ जाएगा। अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर अगर यहाँ पे अमोनिया है और यहाँ पे वाटर फिक्स कर दिए तो सर यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीन यहाँ पे भी तो आ सकता है, दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी। मैं ये बोलता हूँ कि यार ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है ना। अगर ये हाँ पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है तो अलोंग दिस एक्सिस अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्लोरीन अपना इधर ही आ जाएगा ना। कोई फर्क रहेगा क्या कि क्लोरीन को नीचे डालूं कि ऊपर डालूं, बात तो एक ही है ना। हाँ एक ही है। हाँ तो मैं उसको दो बार काउंट नहीं करूंगा, करेक्ट। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन एम एच बी सी डी? थ्री। एग्रीड। नाउ लिसन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ना मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है और इसमें चार बॉन्ड जो है वो सेम प्लेन में है और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। गॉट इट? तो यहाँ पे आ जाएगा M, 1 2 3 4, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। अब सोचो पोजीशन डाल दी 1 2 3 4 5 6। सुनो, जब सिमिलर लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री रहता है देन 1 2 2 3 3 4 1 4 1 5 2 5 3 5 4 5 1 6 2 6 3 6 4 6, ये सारी पोजीशंस कितने एंगल पे? 90 डिग्री। गॉट इट? तो अगर दो सिमिलर ग्रुप को अगर मैं 90 डिग्री रखूंगा तो मेरे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी? सिस वेरी गुड, 1 3 2 4 एंड 5 6, दिस इज 180 डिग्री टू ईच अदर। सो जस्ट टेल मी, 2 एंड 4 व्हेन द सिमिलर ग्रुप हैव 180 डिग्री, सो दैट थिंग इज नोन एज ट्रांस कॉन्फिगरेशन। गॉट इट? बोलो। हाँ या वेरी गुड। अब सुनो एक एक करके पकड़ते हैं इन सबको, ठीक है। यार एक बात बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या MA5 MA6 के अंदर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? नहीं सारे सेम है। MA5B में होगा क्या, मतलब पांच सेम लिगेंड एक अलग है? नहीं होगा, नहीं होगा, तो नो चार का ज्योमेट्रिकल तो होगा ही नहीं आइसोमेरिज्म। ना। हाँ मतलब ऐसे कह रहा, चार तक। MA4 चार में तो होगा ना, MA4B2 और अच्छा हाँ MA4BC, MA4B2 और MA4BC, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज आती है? जो जो सिमिलर लीग है ना उसको उठा लो, B2 है ना, और इसको BC ले लो। मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज आती है बेटा, सेंट्रल मेटल M ले लो, ऊपर नीचे ले लो, ठीक है। यार एक बात बताओ, दोनों B तुम्हारे सिस आ सकते हैं? बोलो हाँ। तो बाकी के जो A हैं ऐसी पोजीशन में आएंगे, राइट? एंड दोनों के दोनों भी मेरे पास ट्रांस आ सकते हैं, सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज है ना। तो बाकी के जितने भी ए हैं इल कम आउट एस लाइक दिस, कोई डाउट? ये सारी देखो यार एक चीज समझ लो, अगर मैं ऑक्टेडल ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा छूट गया हमारा एक ये वाला पार्ट। अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग मेटल 1 2 3 4 5 6, यार ये वाले बॉन्ड कौन से बॉन्ड है और ये वाले बॉन्ड कौन से है? कुछ नाम होता है इन बॉन्ड्स का ना, विदाउट हाँ क्या इक्वेटोरियल और बॉन्ड एक्सियल।
वेरी गुड। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, दोनों अलग अलग हैं कि सेम है? अलग। भाड़ में जाओ तुम। इक्वेटोरियल और अरे एक्सियल नहीं, ये बॉन्ड टेट्राहेड्रल है, सेम है। अलग 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 होते हैं तब होते हैं जब तुम्हारे पास स्क्वायर अप ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। जब हाँ ये सारे बॉन्ड टेट्राहेड्रल। एंगल 90 डिग्री है ना, तो शैल आई से दैट इट इज एक्चुअली ए परफेक्ट स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे कोई भी एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड नहीं है। नहीं है। यार एक बात बताओ, सोचो ना, अगर तुमने इन चार एटम्स को जोड़ के एक स्क्वायर बनाया, तो अगर तुमने इन चार एटम्स को जोड़ के एक स्क्वायर बनाया, रुक जाओ यार एक मिनट, ये सही है, ये क्या हुआ? अगर सपोज करो इन चार एटम्स को बीच जोन के जोड़ के स्क्वायर बनाया, तो ये एटम ऊपर हो गया, ये एटम नीचे हो गया, बोलो हाँ या ना? सो इट विल बिकम अ स्क्वायर, दिस विल बिकम टॉप एटम, दिस विल बिकम बॉटम एटम, राइट? अरे हाँ या ना? तो इन सारे बॉन्ड्स में कुछ फर्क है क्या? सारे नहीं, बॉन्ड्स क्या हैं? सारे बॉन्ड्स क्या हैं? एग्जैक्टली सेम। सेम। तो मतलब चाहे मैं ये वाला सिस बोलूं, चाहे मैं ये वाला सिस बोलूं, बात क्या है? एग्जैक्टली सेम, राइट? चाहे मैं ये वाला ट्रांस बोलूं, चाहे मैं ये वाला ट्रांस बोलूं, बात एग्जैक्टली सेम। गेटिंग अ पॉइंट? तो जब सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम है, तो मैं किसी भी दो पोजीशन पे सिस डाल दूं, किसी भी दो पोजीशन में ट्रांस डाल दूं, तो मैंने क्या किया, दो बी को सिस, दो बी को मैंने सिस डाल दिया, तो बी एंड बी बिकम सिस, सो अदर ग्रुप विल बिकम लाइक दिस। ए की पॉसिबिलिटी है, दोनों भी ट्रांस आ सकते हैं, तो सारे ग्रुप ए यहाँ पे आ गए। यार एक बात बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है दोनों कॉम्प्लेक्सेस? दो ही पॉसिबिलिटीज है, इधर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। राइट वाला इनएक्टिव है। बेटा दोनों ही इनएक्टिव है। एक बात बताओ, अगर ये वाला प्लेन उठा लो, तो आधा बी ऊपर, आधा ए ऊपर, आधा ए नीचे, आधा ए ऊपर, आधा ए नीचे, आधा बी ऊपर, आधा बी नीचे, तो ये एग्जैक्टली, और ये ए और इसका मिरर इमेज ए नीचे, तो कोई आई डू हैव अ प्लेन ऑफ सिमिट्री ओवर देयर ना। पता है क्या, इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑलवेज गो फॉर प्लेन ऑफ सिमिट्री। क्या देखोगे? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जैक्टली? तो देखा जाए ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर तुम सिस ले रहे हो, तो सिस के अंदर यही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, जो कि मॉलिक्यूलर प्लेन है ये वाला, और ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ऑब्वियसली इसका मिरर इमेज ये है, आधा भी ऊपर है आधा भी नीचे, तो ये जो प्लेन है इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑप्टिकली, इनएक्टिव। ऑप्टिकली वेरी गुड। व्हाट अबाउट ट्रांस वाला? वो इनएक्टिव ही है। वो तो ऑलरेडी इनएक्टिव, वो तो ऑब्वियसली इनएक्टिव है, व्हाई? बिकॉज सेम चीज, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी मिरर इमेजेस, आधा ए ऊपर आधा ए नीचे, आधा ए ऊपर आधा ए नीचे, आधा ए ऊपर आधा ए नीचे, अगेन द सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री आई विल हैव हियर, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल तो भैया ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही, अंडरस्टूड? कोई मुझे बताएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? एक सेकेंड। दो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पांच। नहीं, 15। 15 प्लेन, सॉरी, 15 क्या? कैसे ना। 64। कैसे 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 64 15 कैसे? बताना, मतलब आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली हाउ यू सिक्सटी गॉट 15 फोर कैसे? छह एलिमेंट्स है, कोई भी चार में से प्लेन पास कर रहा है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। अच्छा मतलब ये बी, मतलब ये वाला बी, ये वाला बी, ये वाला ए, ये वाला प्लेन पास कर रहा है चारों में से, मैं तुम्हारे हिसाब से तो कर रहा है। मैं हाँ तो ये कह रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए,
जिस टाइप से फॉर्मूला लगाया तुमने। हाँ हाँ सर, प्लेनोसोमेट्री है वो। नहीं हाँ तो आंसर कितना है, कितना प्लेनोसोमेट्री है। सर, 1 मिनट काउंट करता हूँ। गाइस बताओ कितने प्लेनोसोमेट्री सर हैं। 5 है। यार हाँ अब 5 है। 5 है, सोच ले। चलो तुमको आज प्लेन ऑफ नहीं सिमेट्री सर, दिखाता हूँ। 4 है। 4 है, सॉरी, चार है। ना ना ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। आज चले से हर एक ट्रांस के लिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। जब बी और बी अपोजिट है तो ये नीचे ये मॉलिक्यूलर प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोल लो। हाँ या ना। हाँ अरे बोल। वेरी गुड। इस ट्रांस के लिए मेरे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। हाँ वेरी गुड। इस ट्रांस के लिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। अरे हाँ या ना। हाँ वेरी गुड। अब बीच में से पास करवाओ। किसमें से? बीच में से, ठीक है। ये बी, ये बी, ये पॉइंट जोड़ दो। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आया, करेक्ट। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ, यहाँ, ये और ये जोड़ दो। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आया। अरे आया कि नहीं आया? हाँ वेरी गुड। इसके अलावा और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको दिख रहा है इसके अंदर? नहीं कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे तुमको इसके अंदर? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच कितने हैं? पांच। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या इसके अंदर? नहीं सर, सोच लो। सर नहीं है। ये मैंने पहली बार ही क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। जनरली मैं पूछता नहीं हूँ ये क्वेश्चन। एनीवेज डन। सिमिलरली इट गम्स फॉर बी सी, मतलब दो बी और सी सिस हो सकते हैं और बी और सी ट्रांस हो सकते हैं। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, बोलो हाँ या ना। अरे राइट, प्लीज फॉर गॉड सेक से यस। यस। नाउ लिसन, आई हैव MA3 B3 फोर्थ केस। यार चक्कर क्या है MA3 B3 के अंदर? मतलब एक सेंट्रल एटम है, तीन तीन लिगेंड्स लगे हुए हैं ना। तो गाइस क्या करूं मैं? एक काम करते हैं, एक ऑप्शन ले लेते हैं जिसमें ना सेंट्रल मेटल एटम M पे दो ए ग्रुप ट्रांस रख देता हूं मैं। क्या रख देता हूं? ट्रांस, राइट। यार तीसरा जो ग्रुप आएगा ए का, उसके लिए कोई डिफरेंट पोजीशन है कि सेम ही पोजीशन है? मतलब इल बी एग्जैक्टली सेम एवरीवेयर। बाकी चारों पोजीशन जो ए के लिए है वो क्या है, सेम है कि अलग अलग है? अरे सेम बाबा सेम ही है ना। वाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बी नाइनटीन रखूंगा तो टी शेप बनेगा, अगर यहाँ पे रखूंगा भी टी शेप बनेगा, यहाँ रखूंगा भी टी शेप बनेगा, तो शेप तो सेम ही बन रहा है ना, सेम पोजीशन है, राइट। हाँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पोजीशन पे ए रख दिया। डन।
तो इसे टी शेप हो गया, यहां पे तुमने बी रख दिया तो बी का भी अपने आप टी शेप हो गया, राइट, बिकॉज बचा ही बी था मेरे पास, तो इसे बोलते हैं मेरीडोनियल। क्या बोलते हैं? मेरीडोनियल और मर एमिया, गॉट इट, गॉट इट। अरे हाँ समझ में आया। अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, बेटा जब भी दो ग्रुप एंटाई होते हैं ना, तो मान लेना उनके जो बीच वाला प्लेन होगा ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा हमेशा। हाँ कोई भी ट्रांस ग्रुप ले लो यार, कहीं से भी ट्रांस ग्रुप ले लो, उसका बीच वाला प्लेन हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलेगा। तो ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्ट, राइट, डॉक्टर अंडरस्टूड। नाउ या कम टू अनदर पॉसिबिलिटी, Ma3B3 का। तो एम ले लिया तुम लोगों ने और स्क्वायर ऑक्टेडल ज्योमेट्री बनाया, ठीक है। इन दिस ऑक्टेडल ज्योमेट्री क्या किया तुम लोगों ने? या ऑक्टेडल ज्योमेट्री बनाया, तो पहले तुम लोगों ने ना ए को डाला था ट्रांस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को डाल रहा हूँ, क्या फील नहीं आया इसके अंदर, बप यूजलेस। ए को क्या डालूंगा मैं, सिस, गेटिंग इट। या जैसे ही तुमने सिस डाला, तो तीसरे ए का जो पोजीशन है, अगर मैं उसको यहां डालूंगा तो टी शेप हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आई कैन नॉट प्लेस ए ओवर ट्रांस नाउ। यहाँ पे भी डालूंगा तो ट्रांस हो जाएगा, जो टी शेप ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बट अगर मैंने यहाँ डाला तो तीनों ए के बीच में जो एंगल है वो कितना है? अगर ए यहाँ डाला, ये एंगल 90, ये एंगल 90 90, हाँ 90, दोनों सिस हो गए, सो इट इज सिस। तो ये पोजीशन मैंने कवर करी क्या अभी तक? यार एक बात बताओ, अगर ये पोजीशन की बात करूं मैं, तो शैल आई से दैट ये ए और ये ए एक ट्राइंगल बना रहे हैं और एक फेस बना रहे हैं ऑक्टेड्रल का, राइट। अगर ये ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री जिसमें 8 फेसेस होते हैं, तीन वर्टिसेस को जोड़ के एक फेस बनता है ऑक्टेड्रल का, तो अगर ये एक फेस बन रहा है ना, तो इस आइसोमेरिज्म को, इस आइसोमर को बोलते हैं फेशियल आइसोमर, जिसे फैक बोला जाता है, तो मरफैक आइसोमेरिज्म बोला जाता है इसको। अब सोचो, जब तीनों ए सिस होंगे तो तीनों बी आपस में भी सिस होंगे, बोलो हाँ या ना। ये भी एक फेस बना रहा है ऑक्टेड्रल का, राइट। अरे हाँ या ना। अरे हाँ पता है ना, ऑक्टेड्रल में 8 फेसेस होते हैं, एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा फेस ये हो गया, चौथा फेस पीछे है, राइट। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हेड्रल मतलब फेसेस, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, मेरे पास 3 A है, 3 B है, क्या है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि एक्टिव इनएक्टिव है? नहीं, एक्टिव है ना, ये कंफर्म पूछ रहा है, बता रहा है, कर रहा हूं। अच्छा, इनएक्टिव। समझ रहे हो कौन सा हाँ प्लेन उठाया मैंने? हाँ सर, ये वाला प्लेन जो कि यहां से पास कर, गॉट इट, ए और बी दोनों के बीच में से पास कर रहा है, गॉट इट। तो इस ए का मिरर इमेज ये ए हो जाएगा, इस बी का मिरर इमेज ये बी हो जाएगा, और ये तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा एग्जैक्टली बीच में, गॉट इट। बहुत वाहियात डायग्राम बन गया, ठीक है। बस समझ में समझ आया गया सर। तुमको? समझ गया ना कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर हाँ इन सर, चारों पॉइंट्स को जोड़ के जो प्लेन बन रहा है उसे हम प्लेन ऑफ सिमिट्री बोलेंगे, गॉट इट। या
ये गॉट इट। हाँ डन। तो तो इट इज ये सब याद ऑप्टिकली, करना पड़ेगा क्या हर कॉन्फ़िगरेशन के? अरे मैं तो अभी सॉल्व कर रहा हूँ राइट। तुमको याद करना, याद कर लो, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम के अंदर तो खुद ही निकालना पड़ेगा तो याद करने का राइट। फायदा नहीं है ना? याद करने का फायदा ये है कि एग्जाम में गलती नहीं करोगे, बिकॉज जनरली लोग इसको ऑप्टिकली एक्टिव लिख के आते हैं। अरे समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जब एक दो समझ रहा बार हूँ। पढ़ लिया होता है ना इसको और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता है, दिमाग में आ जाता है चलो ठीक है फेशियल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, करेक्ट। मर्फैक आइसोमरिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एम ए बी होल थ्राइस मतलब बाइडेंटेड लीगेंड है और अनसिमेट्रिकल लीगेंड है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम ले लो, ग्लाइसिन ले लो, तो टर सॉरी ट्राई सॉरी ट्रिस ट्रिस ग्लाइसिनेटो क्रोमियम थ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑब्वियसली Cr3+ है, ग्लाइसिन माइनस है तो नेट चार्ज जीरो ही होगा, ठीक है। क्रोमियम 3+ है। अब सोचो यार, तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल आटम में क्रोमियम और वो बाइडेंटेड लिगेंड है अनसिमेट्रिकल, मानेगा तो है नहीं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ लिसन, अगर इसको ड्रॉ करना है थोड़ा सा ना इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। अब क्रोमियम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यार सुनो, मेरे पास बाइडेंटेट लीगेंड है ना, ऐसा तो मेरे पास 3 नाइट्रोजन होंगे, 3 ऑक्सीजन होंगे। यार अभी एक बार बताओ, हमने A3 B3 किया था तो क्या पॉसिबिलिटीज आई थी मेरे पास कि तीनों ए एक दूसरे के फेशियल में हो और तीनों एक दूसरे के टी शेप में हो, राइट। मेरी डोनियल पोजीशन पे हो, इसके अंदर ही मेरे पास 3 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक और बात सुन लो यार, मुझे ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये बाइडेंटेड लिगेंड डालना है, तो मैं एक बार बताओ कभी ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड डाल सकता हूँ क्या कि मैंने नाइट्रोजन यहाँ डाल दिया, नाइट्रोजन यहाँ डाल दिया और इसको घुमा के ऑक्सीजन को यहाँ लेके गया, पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, बिकॉज इतना लेंथ ही नहीं है, ऊपर से अप्रोचेबिलिटी भी कैसे होगी। तो हमेशा ना बाइडेंटेड लिगेंड को 90 डिग्री पे डाला जाता है, ठीक है। लाइक दिस और लाइक दिस। अब चक्कर क्या है, दोनों लिगेंड को मैं ऐसे नहीं डाल सकता हूँ बिकॉज तीसरा लिगेंड ऐसा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर मैं एक लिगेंड को ऐसे डालता हूँ तो दूसरा मुझे किसी भी हालत में ऐसा डालना पड़ेगा, फिर ऐसा डालना पड़ेगा। गॉट इट गॉट इट। यस सर। आप सुनो मूव कैसे करना है, NO NO NO। तो यार इसमें तीनों नाइट्रोजन के बीच में शेप क्या है, फेशियल की मेरिडोनियल, मेरे डोने तीनों नाइट्रोजन के बीच में शेप क्या है, ट्रायंगुलर ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, फेशियल फेशियल आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको फेशियल आइसोमर कहते हैं तो यार इट इज लाइक मोर ऑफ सिस आइसोमर, इसको सिस भी बोला जाता है। अब मैंने क्या किया, एनओ लिया, एनओ लिया और ओ एन लिया, इसको क्या बोलेंगे, मैरिडोनी टी से मेरिडोनियल और ट्रांस बोलेंगे। गॉट इट या गॉट इट। सो NO NO NO। अरे यार ये तो मजाक कर रहा है इतनी देर से। अरे एक मिनट, हाँ
तो ये तीनों नाइट्रोजन 90 डिग्री पे हैं, तो हो गया सिस, राइट। तो सिस बोलेंगे। बताओ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तुमको? नहीं हाँ नहीं नहीं ना, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। अच्छा क्यों नहीं है? नहीं बिकॉज ये अनसिमेट्रिकल है, राइट। तो कोई प्लेन तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? दो। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये और एक इसका मिरर इमेज, गॉट इट। या एक मिनट, डन हाँ सर डन। ओके नाउ लिसन गाइस, हाँ सिस हो गया, नाउ ऑप्टिकली एक्टिव था। दूसरा हो जाएगा तुम्हारे पास, दो ही ऑप्शन है, एक तो सिस और एक मर, फैक और मर। NO, NO एंड देन ON, ठीक है। ये तुम्हारा मेरिडोनियल है, और इसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तुमको इसके अंदर? कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नहीं नहीं। तो क्या आ गया मॉलिक्यूल? ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? एक्टिव हाँ एक्टिव एक्टिव है, राइट। एक्टिव कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बिकॉज ये है सी डबल बॉन्ड ओ और ये है तुम्हारा CH2। वो अनसिमेट्रिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बेचारा ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड बिकॉज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। हाँ नाउ लिसन, मेरे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ना, अच्छा इसको छोड़ो, तुम लोग को एक बात बताओ। मेरे पास ना Na2B2C2 है, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? तुम करोगे कि मैं करूं? ऑक्टेटल करते हैं ट्राई कॉम्प्लेक्स है। हाँ जी ट्राई करते हैं। ट्राई करके देखो।
ठीक है समय देखते हैं इसको। हाँ वेदांत गाइस आंसर आया कितना एट टाइम मिनट्स तुम का ओके सभी जाए। ठीक है। हाँ गलत है, ज्यादा बहुत है, कम है? ज्यादा शुरू करें गाइस। हर सर्च ने कितना आंसर आया बेटा? सब वापस भेज रहा हूँ। ओके नहीं सही हर्ष है। नहीं नहीं हर्ष ठीक है। हाँ लग तो रहा है। ओके नाउ लिसन गाइस, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? ए टू है, बी टू है, सी टू है। बोलो। हाँ बोलो। हाँ 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 लिसन, ए टू बी टू सी टू ठीक है। अब चक्कर क्या है, ए टू बी टू सी टू या फिर एम ए टू बी टू सी डी के अंदर तुम्हें क्या करना है, इसके पेयर्स ले लो ठीक है। ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, ए टू बी टू और सी टू ठीक है, या फिर इसको सी डी ले लो। मैं कह सकता हूँ ना यार, ये सारे इससे हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ऑल ऑफ देम कैन बी। गाइस एक मिनट रुको है ना, गिव मी अ मिनट।
सारे ए टू बी टू सी टू सिस 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 हो सकते हैं। अब चक्कर क्या है, सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस 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 सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, ये ऑप्शन है राइट, जो पॉसिबल केसेस बनते हैं हमारे। ठीक है बोलो। हाँ 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 जी हाँ सर। हाँ, सुनो मेरी बात। एम है 1 2 3 4 5 6, यार एक बात बताओ, ए को मैंने सिस रखा, बी को मैं सिस रख सकता हूँ, सी को मैं सिस रख सकता हूँ, ये पॉसिबल है करेक्ट? समझना इस चीज को। तो ए सिस, बी बी 90 डिग्री सिस, सी सी, क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तुमको इधर? गाइस नहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सी की जगह डी डाल दो, सेम चीज आ जाएगा। ठीक है अब सुनो, या ना लिसन, अभी एम 2 सिस और 1 ट्रांस, यार एक बात बताओ, अगर एक ट्रांस रख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ए ए ट्रांस रख दिया, तो बी बी सिस हो सकता है, सी सी सिस हो सकता है, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या कहा था, जब एक भी ट्रांस निकले ना, तो अपने आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाता है, बोलो हाँ। हाँ तो एक ही आ जाएगा, तो यार सिस 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 2 पॉसिबिलिटीज, सिस सिस ट्रांस पॉसिबल है, ट्रांस सिस पॉसिबल है, ट्रांस सिस पॉसिबल है, तो ये सारी तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने कैलकुलेट कर ली। अब बात करते हैं ट्रांस 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 की। यार एक बात बताओ, अगर 2 ग्रुप को मैं ट्रांस डालता हूँ, ए ए ठीक है, बी बी, तो तीसरा जो ग्रुप है वो ऑटोमेटिकली ट्रांस हो जाएगा। तो अगर 2 ट्रांस डालूंगा, तो तीसरा जो है वो अपने आप ट्रांस आएगा, तो तीसरा कभी सिस हो सकता है क्या बेटा? 2 ग्रुप नहीं। ट्रांस, हाँ, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आएगी, तो टोटल कितने आएंगे? और वेदांत, जो तुमने कैलकुलेट किया ना, वो इस तरीके से किया कि दूसरे तरीके से किया? ऐसे हाँ ऐसे ही किया था, पर जो पहली बार का इसलिए क्या मैंने सिर्फ एक के लिए करके बाकी दोनों को एक्सट्रापोलेट कर दिया, ओके गाइस, वो समझ में एक्स्ट्रा। आया करना कैसे है? समझ में आया करना कैसे है? हाँ सर। ओके ग्रेट, नाउ लिसन, वी डू हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है? होमवर्क क्या है, MA3B2C, MA3BCD, ठीक है, इनके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है, गॉट इट? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नाउ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर पहला ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस, इसके अंदर पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं MAA3। देखो यार, ए को जब मैं ब्रैकेट के अंदर डालूंगा, तो बाइडेंटेट लिगेंड है कि मोनोडेंटेट लिगेंड है? बाइडेन के हाँ जी, बाइडेन बाइडेंटिक, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिक चलो ठीक है। सो यू हैव क्रोमियम EN होल थ्राइस 3+, गेटिंग इट? तो EN इज इथिलीन डायमी, तो मेरे पास आ जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2, तो जाएगा NCCN, गॉट इट? जिसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब सिमेट्रिकल है एग्जैक्टली, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सेम है, गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड, तीनों लिगेंड्स डालने मैंने, तो सारे बच्चा लोग ये बताओ कि यार मैं इथिलीन डायमीन को ऐसे डालूं क्या, एक यहाँ डाल दूं,
दूसरा यहाँ डाल दूं, तीसरा पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं नहीं, मतलब मेरे को एक सारे ही एक दूसरे के सिस में डालने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। तो मैंने हाँ पहले दो नाइट्रोजन ऐसे डाल दिए, एक नाइट्रोजन यहाँ रखा, तो एक नाइट्रोजन यहाँ डाल दिया और दूसरा नाइट्रोजन यहाँ डाल दिया, कोई डाउट? ये तो पॉसिबल है ना, बिकॉज सारे एक दूसरे के सिस हैं तो, है ना। हाँ अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर आपने एन यहाँ डाल दिया, ठीक है, अगर एक एन दो एन यहाँ डाल दिए, एक एन यहाँ डालने के बाद आप इसको अगर यहाँ पे ले जाने की जगह यहाँ पे लेके आते तो एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट होती, बोलो हाँ या ना। नहीं अरे हाँ बेटा, ये एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट होती जिसमें यहाँ पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता, गॉट इट? अच्छा, वैसे हाँ। हाँ, चक्कर क्या है, कहते हैं कि सर आप एक क्यों बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, वो जो दूसरी पॉसिबिलिटी देख रहे हो ना उसकी मिरर इमेज होगी। आई कैन प्रूव दैट, क्रोमियम नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो। अगर 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, ये नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री की रोटेशन के बाद व्हाट यू विल गेट, दिस नाइट्रोजन कम हियर, ठीक है, एंड क्रोमियम हियर, ये नाइट्रोजन इधर आएगा, ये वाला नाइट्रोजन इधर आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, बाकी के दो नाइट्रोजन यहाँ आ जाएंगे, वही बात होगी ना जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो वो कुछ नहीं, उसका मिरर इमेज है। तो मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज हैं, दो गॉट इट? गॉट इट, दो पॉसिबिलिटीज है, डन। नाउ लिसन, आई हैव एम ए टू बी टू, अगर मेरे पास एम ए टू बी टू है तो क्या होगा इसके अंदर? देखो जो सेम चीज होता है ना उसको चेक करो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो क्रोमियम इथिलीन डायमीन होल स्क्वायर, बी को ले लो सी एल टू, तो नेट चार्ज +1 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्रोमियम ले लिया हम लोगों ने, एंड ये तो हमारा इथिलीन डायमीन आ जाएगा। एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा इधर ले लो, थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब चक्कर क्या है, अगर दोनों बी ट्रांस हो गए, ठीक है, तो दोनों जो नाइट्रोजन होंगे वो इस तरीके से ट्रांसपोजिशन पे आ जाएंगे, बोलो हाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बी क्या हो गए हमारे सिस, यही पॉसिबिलिटी है ना, बिकॉज सारे बॉन्ड सिमिलर है, बोलो हाँ या ना। हाँ है ना, अब मुझे बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज आई टोटल, क्या वो जो सिस वाला मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, राइट? तो दो आइसोमर्स आ गए, ये एक आएगा, करेक्ट, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ये वाला, गॉट इट? चले आगे। हो गया, समझ में आई बात? नाउ हाँ लिसन नेक्स्ट, हाँ ये हो गया। हाँ,
नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम ए बी सी डी ई एफ, यार इस सेंट्रल मेटल एटम में कितने लिगेंड्स हैं? छे, छे के छे अलग हैं। तुम सॉल्व करना चाहोगे इसको कि अपुन करें? ए करते करोगे? करो देखते हैं। सब ओके okay. 15 कैसा गया? सो को फिक्स किया एक मिनट रुको, तो मैंने ना एक काम किया, इसको स्क्वायर मान लिया, इन दोनों को वर्टिकल लाइन मान ली, ठीक है? ये स्क्वायर है। अब चक्कर क्या, जब वर्टिकल लाइन होगा तो क्या माना तुमने? तो अगर मैंने एक को फिक्स कर दिया यहाँ पे ए, पांच तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इधर जो उसके ट्रांस आ सकती है? पांच पांच। अब बचे, तुमने एक इधर फिक्स कर दिया, एक ओ इधर मैंने डाल, पांच गलती में कर दी। से पांच दूर फिटे मुंह तेरे। ज्यादा आएंगे 15 कितने आएंगे? करना गाइस आई एम ऑडिबल एवरीवन? सर। सिमरन हर्ष हर्षनिया लिसन। देखो यार, एक मैंने ऊपर पोजीशन फिक्स करी तो उसके एंटायर में कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? पांच, हाँ करेक्ट। अब पांच में से तुम एक इधर भी डाल दोगे तो बच्चे कितने? चार। अब जब भी तुम स्क्वायर फिगर पे आते हो, तुम्हें पता है ना स्क्वायर के अंदर एक फिक्स करना पड़ता है इधर। तो सपोज तुमने यहाँ पे बी डाल दिया तो यहाँ पे सी डाल दिया, तो तुम्हारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी जो उसके ट्रांस में आ जाए? हल कट। तीन तीन सॉरी तीन पंद्रह तो 5 × 3 कितना हुआ? अंडरस्टूड। सब पर ये आंसर थोड़ी ना है। यही है ना, किसने बना के ज्योमेट्रिकल तो यही है। चक्कर क्या, अगर एक बी हाँ यहाँ ओके सी डाल यही ले, काउंट अरे करना पड़ेगा। सुन तो ले, यहाँ डी हो गया, यहाँ ई डाल ले, यहाँ एफ डाल ले, करेक्ट? हाँ अब ये ई और ये एफ अगर इंटरचेंज करूंगा तो मॉलिक्यूल अलग होगा, गॉट इट? या बट प्रॉब्लम ये है कि वो उसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो टोटल आइसोमर्स 15 का मिरर इमेज कितना हो जाएगा? 20 30। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा गया तो 15, ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा गया तो 30 हाँ 30। अंडरस्टूड? हाँ तो आपने क्या पूछा हाँ आपने क्या पूछा था क्या क्या आपने जीआर पूछा था ओआई पूछा था जीआई पूछा था? ओ अच्छा मेरे को लगा आपने ओआई पूछा और इसलिए मैंने बोला मैंने ओआई गलती कितना कर हो दी। जाएगा? 30 30, ओआई 30 आएगा, ठीक हाँ है? अच्छा डन डन, यस ओके। नाउ लिसन, योर आइसोमेरिज्म पार्ट इज ओवर, ठीक है? तो डू यू वांट मी टू गिव क्वेश्चन और शैल वी मूव अहेड नाउ? मेजर ऑफ द पार्ट ऑफ द आइसोमेरिज्म गॉट ओवर, टेट्राहेड्रल रह गया यार। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में टेट्राहेड्रल रह गया। क्या होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर अगर कोई सेंट्रल मेटल आटम है जो कि चार लिगेंड के साथ बॉन्डेड है, फॉर एग्जांपल निकल 2+ ले लो वीक फील्ड लिगेंड के साथ, तो यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लो, तो 4 माइनस आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा। तो
इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। तो यार कोई भी सेंट्रल एटम जिसपे चार डिफरेंट लिगेंड्स लगे हों, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कायरल होता है कि नहीं होता है? ए, कायरल होता है कि नहीं होता है? तो अगर हाँ कायरल होगा अरे हाँ है ना, हाँ हाँ तो मैं कह रहा हूं इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे, एक ये और इसका मिरर इमेज, बिकॉज कायरल है। तो एनी sp3 हाइब्रिड एटम गेटिंग इट। चलें आगे। या नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग? ऑप्टिकल हो गया। हाँ लिसन, NiGly होल स्क्वायर निकल ग्लाइसिनेटो, डायग्लाइसिनेटो, ठीक है यार। एक बात बताओ, तुम्हारे पास NO होल स्क्वायर है, ग्लाइसिन है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एन वो, तो एक बात बताओ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इधर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ग्लाइसिनेटो, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या इसके अंदर? बायरेटेड लिगेंड है। नहीं हाँ नहीं है, बिकॉज नहीं ये जो है ना सी डबल बॉन्ड हो और ये CH2 है, तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, होगा तो इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे, एक ये और इसका मिरर इमेज। गॉट इट गाइस? हाँ चले आगे, चले नेक्स्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज थ्योरीज फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन। हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब खत्म हो गया, ठीक है। नाउ थ्योरीज फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT बोलते हैं इसको। हाँ, नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? तुमने कभी पढ़ा है CFT के बारे में? मतलब कोई आइडिया तुम लोगों को स्कूल के अंदर, तुमको कुछ ना कुछ बताया गया? अरे कुछ भी आइडिया थोड़ा बहुत CFT के बारे में? नहीं हाँ अरे बोलो ना। सर नहीं, हर्ष, हर्ष नहीं, सिमरन, कुछ भी आइडिया CFT के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में? अच्छा अब सुनो, होता क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ना व्हाट वी अज्यूम हियर कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है ना और जो भी लीग्स हैं, तो ये एक ऐसा सिनेरियो हम अज्यूम करते हैं जिसमें ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से पहले जब लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आ रहे होंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो चार्ज है और लिगेंड का चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट कर रहा होगा ना। सेंट्रल मेटल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसके पास डायपोल रहेगा, तो थोड़ा बहुत चार्ज अट्रैक्शन तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में रहेगा ना। तो जब लिगेंड्स तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम के पास आ रहे होते हैं, ठीक है,
इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री हमको सर्च करनी की वेदर इट विल बी स्टेबल और नॉट, तो हम क्या करते हैं, जो भी इंटरक्शन है ना सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच में, जो भी इंटरक्शन है हम सारी इंटरक्शन आयोनिक मानते हैं। हम बोलते हैं देर आर ओनली आयोनिक इंटरक्शन बिटवीन मेटल एटम एंड लीगेंड। बोलो समझ में आई पहली बात। हम इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम को पॉइंट चार्ज मानेंगे, लीगेंड को पॉइंट चार्ज मानेंगे। तो व्हाट वी आर कंसीडरिंग लीगेंड्स एज वेल एज सेंट्रल मेटल एटम पॉइंट चार्जेस, वेयर द लीगेंड्स आर अप्रोचिंग अ सेंट्रल मेटल एटम इन अ वेरी पर्टिकुलर फैशन। बात समझ में आई? तो देयर आर द इंटरेक्शन बिटवीन द लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम आर ऑल आयोनिक इन नेचर। देर इज नो ऑर्बिटल ओवरलैप, मतलब देर इज नो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड। हम कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना नहीं, हम बनाते नहीं है। वी नेवर सेज दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टेक्स प्लेस। ऑल इंटरक्शन विच वी आर स्टडिंग आर आयोनिक इन नेचर एंड ऑल दीज इंटरक्शन विल टेल मी वेदर द स्टेबल मॉलिक्यूल विल फॉर्म और नॉट। बात समझ में आई? अरे समझ में आई बात? अभी सारी इंटरेक्शन हमने आयोनिक ली। अब सोचो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अरे यार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लीगेंड्स मूव करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास, दे आर मूविंग फ्रॉम द एक्सिस, राइट? सो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, करेक्ट? तो जब सेंट्रल मेटल एटम के पास लीगेंड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव कर रहे हैं, राइट? तो शैल आई से दैट मेरे पास d ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि एक्स और वाई एक्सिस में आता है, मेरे पास डी जेड स्क्वायर है जो जेड एक्सिस में आता है, करेक्ट? करेक्ट। तो जो d ऑर्बिटल्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो मेरे लीगेंड्स हैं वो जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर के पास आएंगे तो उन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेंगे एज कंपेयर टू दैट ऑर्बिटल विच इज इन बिटवीन द एक्सिस, राइट? बिकॉज यहाँ पे हेड ऑन इंटरक्शन है, यहाँ पे साइडवेज इंटरक्शन है। बोलो हाँ या ना? तो बताए क्या, जब लीगेंड्स तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम के पास आते हैं ना वेरी परफेक्ट ज्योमेट्री, तो कुछ डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल करते हैं, कुछ डी ऑर्बिटल कम रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल मतलब डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है ना, जो पहले सारी एनर्जी डी ऑर्बिटल्स की सेम थी, जब कुछ ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल कर उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, कुछ ऑर्बिटल कम स्ट्रांगली रिपेल करे तो उनकी एनर्जी कम बढ़ रही है, तो देर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस, गेटिंग इट? और जैसी स्प्लिटिंग होती है तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल मेटल एटम में, वो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा कि स्प्लिटिंग होने के बाद जो भी तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये डिसाइड करती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा। बात समझ में आई? वो कैसे डिसाइड करता है वो एक एक करके हम समझेंगे। इतना समझ में आया कि होता क्या, हम क्या चीजें ले रहे हैं? हाँ बस मुझे यही करना था, ठीक है? अब सुनो, जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी ये हसाल। ओह माय गॉड, अगर मैं इसको यूट्यूब में डालूंगा तो लोग ये भी सुनेंगे, व्हाट द हेल। मतलब जब तुम सपोज करो यूट्यूब में देखते होगे रिकॉर्डेड वीडियोस, तो उसमें तो ये भी आता होगा बीच में, राइट? बिकॉज मैं तो एडिट करता नहीं हूँ। What the hell? बहुत अजीब सा सिचुएशन हो जाता होगा फिर तो। हम लोग प्ले नहीं मारते हैं, पता नहीं। बता रही है, मतलब ये तो नहीं सोचा था मैंने, ये तो बहुत वियर्ड थॉट प्रोसेस है दिमाग में अभी।
एनीवेज लिसन, ये सीएफटी है ठीक है। तो सीएफटी के अंदर ना हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो भी सेंट्रल मेटल एटम है ना, हम कौन सा लेंगे, येलो लेंगे ठीक है। ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लीगेंड्स हैं ठीक है। हमने क्या अज्यूम किया, लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम को पॉइंट चार्जेस अज्यूम किया, गॉट इट। एंड अगर सपोज करो नेगेटिवली चार्ज लीगेंड नहीं है, सपोज अमोनिया, अमोनिया से न्यूट्रल लीगेंड, तो अमोनिया के पास ऑब्वियसली डेल्टा नेगेटिव चार्ज है एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज को मैं पॉइंट चार्जेस ले लूंगा और डायपोल को मैं पॉइंट चार्जेस ले लूंगा, गॉट इट गॉट इट। अरे बाबा हाँ या ना, यस अमोनिया सर, के पास डायपोल होगा ना, काहे इतना मतलब बवाल काट रखे है जिंदगी में तुमने, जवाब दे दिया करो ना। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेट डायरेक्शन नेगेटिव यहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियसली जो डायपोल जनरेट हुआ है इसके अंदर वो पॉइंट चार्ज माना जाता है ठीक है। नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी, द इंटरैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लीगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, मतलब देयर इज नो कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। देर इज नो ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन सी एम एंड लीगेंड, देर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सी एम एंड लीगेंड, ऑल दीज थ्री पॉइंट्स आर सेम रिटन इन डिफरेंट वे। The central metal atom and the ligand are treated as the point charges, where the oxidation state of central metal atom is the point charge over it, and the negative charge, the negatively charged ligand, and the dipole of the neutral ligand is considered as point charges. इतना समझ में आया? During the formation of a complex, the ligand will approach the central metal atom in a particular fashion. For example, octahedral में तुम्हारा along the axis आएगा, टेट्राहेड्रल में तुम्हारे को पता ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर बड़ा पड़ा के दिमाग खराब हो गया कि यार ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ले लो है ना, हाँ ऑल्टरनेट कॉर्नर्स में लीगेंड्स आएंगे, अगर ये एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है तो लीगेंड्स यहाँ से आ रहे हैं कहीं से इन बिटवीन द एक्सिस, राइट, गेटिंग अ पॉइंट। तो टेट्राहेड्रल के लिए लीगेंड जैसे आ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर के लिए हमको पता है ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक्स और वाई प्लेन के साथ में लगे रहते, तो सारे लिगेंड्स कहाँ से आते हैं, एक्स और वाई एक्सिस से आते हैं, अलोंग द प्लेन आते हैं। और ऑक्टाहेड्रल के अंदर लिगेंड कैसे आएंगे, अगेन एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू आएंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस के थ्रू आएंगे। तो ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड, ऊपर लिगेंड नीचे लिगेंड, गॉट इट गॉट इट। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो लीगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम में एक पर्टिकुलर फैशन में आ रहे हैं, वो फैशन कौन कौन सा हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल और हराम खोरो स्क्वायर और, प्लेन वेरी गुड अंडरस्टूड। नाउ देर आर फाइव अंडरस्टूड। डी जनरेट और फाइव डी ऑर्बिटल्स, नेमली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, माई गुडनेस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, दिस इज अलॉन्ग द एक्सिस, this is in between the axes, right, will get repelled by the incoming ligand in different fashion, and the degeneracy of d orbital gets lost and the splitting of d orbital takes place. इस पैराग्राफ का मतलब समझ में आया कि जो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम थी डी जनरेसी वो चली जाती है बिकॉज रिपल्शन अलग अलग होता है डी ऑर्बिटल्स के अंदर, गॉट इट। फिर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन साइड द सेंट्रल मेटल एटम विल डिसाइड द अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, वेदर द अरेंजमेंट विल बी रेगुलर और बदतमीजों और सच्चा देख क्या चक्कर क्या, सपोज कर कुछ सेंट्रल, एक सेंट्रल मेटल एटम है, इसके ना एक्स वाई और जेड एक्सिस में ना इक्वली नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है, अगर इक्वली नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है तो जो लीगेंड्स होंगे वो इक्वली पास आएंगे कि अनइक्वली पास आएंगे, अगर इक्वली पास आएंगे तो जो तुम्हारा ऑक्टेडल बनेगा वो परफेक्ट ऑक्टेडल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो जो परफेक्ट ऑक्टेडल बन रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है, मैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल डिसाइड द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एंड आल्सो विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रेगुलर और इररेगुलर अरेंजमेंट, गॉट इट।
हाय राम, समझा? हाँ नाउ वेलकम टू ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस, करेक्ट? नाउ अजम्पशन डन बाय सीएफटी, क्या अजम्पशन है कि तुम सेंट्रल मेटल एटम ले लो, ठीक है, जो लिगेंड्स आ रहे हैं ना, दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम फ्रॉम द एक्सिस, कौन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो दो लिगेंड अलोंग एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्सिस, दो लिगेंड्स तुम्हारा प्लस वाई और माइनस वाई एक्सिस, दो लिगेंड तुम्हारा प्लस जेड और माइनस जेड एक्सिस। कोई डाउट इसके अंदर? तो जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं वो उन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेंगे जो कि अलोंग द एक्सिस है, और उन ऑर्बिटल्स को कम रिपेल करेंगे जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं। इतना आत्मविश्लेषण समझ में आया? अरे बाबा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, अच्छा सुनो ना, सुन रहे हो, सुन रहे हो? ए बच्चा बात, सुन रहे हो? हाँ से हाँ, सुन रहे यहाँ पे तुम्हारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, राइट? तो चले से दिस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इज एक्चुअली इन द लाइन ऑफ लिगेंड ओनली, तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगी वो हेड ऑन होगी। हेलो, हाँ वेरी गुड। और ये जो ऑर्बिटल है दिस इज इन बिटवीन द एक्सेस, राइट? हाँ तो यहाँ पे जो लिगेंड रिपेल कर रहा होगा, लिगेंड यहाँ पहुंचेगा तो रिपल्शन इट इज अलोंग एंड अलोंग अ पर्टिकुलर एंगल, राइट? सो इट इज नॉट हेड ऑन। तो कौन से ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल करेंगे, जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सेस है और जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सेस है? या इन बिटवीन द एक्सेस है, गेटिंग अ पॉइंट? दोबारा बोलना, हाँ दोबारा बोलना। जो इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सेस है वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा रिपेल करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द एक्सेस है वो ज्यादा रिपेल होंगे इस नेगेटिव चार्ज से। ज्यादा अलोंग ज्यादा रिपेल करेंगे। देखो चक्कर क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अलोंग द एक्सेस है, एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये इन बिटवीन है। अलोंग वाले सेट को बोला जाता है ईजी सेट। क्या बोलते हैं? ईजी सेट ईजी सेट। और इसको बोलते हैं टी टू जी सेट, टी टू जी सेट, गॉट इट? अब सुनो होता क्या, ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी है ये एनर्जी, ठीक है? इनिशियली जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी वो इतनी थी, ठीक है? जैसे ही तुम्हारे लिगेंड्स इन डी ऑर्बिटल के पास में आएंगे तो सबका एवरेज एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे सारे डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा ना बढ़ेगा ओवरऑल, बिकॉज रिपल्शन तो सारे ऑर्बिटल्स कर रहे हैं ना, रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ता है, राइट? तो एनर्जी सबका बढ़ गया, ये एवरेज एनर्जी है। इसमें से दो डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी ज्यादा बढ़ा और तीन डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी कम बढ़ा। बढ़ेगा तो दोनों का ही, बट कम किसका बढ़ा? तीन डी ऑर्बिटल्स का जो इन बिटवीन द एक्सिस थे, और ज्यादा किसका बढ़ा? उन दो ऑर्बिटल्स का जो अलोंग द एक्सिस थे, और दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी ठीक है, एक इसको बोला जाता है डेल्टा ओ, दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस। ओ का मतलब होता है ऑक्टेडल, और एक डेल्टा ओ को 10 DQ भी बोला जाता है, डेक्यूरल जस्ट यूनिट है। तो 10 DQ इज इक्वल टू डेल्टा ओ, ठीक है? अब चक्कर क्या है, ये मैंने कहा था एवरेज लाइन है, क्या है ये? मीन एनर्जी लाइन है, ठीक है? ये मीन एनर्जी लाइन ना 0.6 डेल्टा ओ ऊपर रहती है इन, और ये पॉइंट माइनस 0.4 डेल्टा ओ थी, गेटिंग अ पॉइंट? तो डेल्टा ओ को इसमें एनर्जी लाइन से कम एनर्जी इतनी है, कितनी? -0.4 डेल्टा ओ, और ये स्प्लिटिंग एनर्जी को इस तरीके से डिवाइड करती है। एक बार बताओ कितने ऑर्बिटल्स हैं ऊपर? बाबा बारिश, ये जो एवरेज लाइन है
इसके ऊपर कितने ऑर्बिटल्स है बोलोगे? अच्छा, तो हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी 0.6 डेल्टा O है, ठीक है? तो नेट नेट कितनी एनर्जी आ जाएगी इन दोनों ऑर्बिटल्स की इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में नेट कितनी एनर्जी आएगी? दो ऑर्बिटल है, दोनों की ऑर्बिटल की एनर्जी 0.6 डेल्टा नॉट है, वन डेल्टा ओ पॉइंट है, टू तो कितना डेल्टा नॉट एनर्जी है? 1। अच्छा, ये +1.2 डेल्टा हो गया। एक बार बताओ, ये -0.4 है, कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी? तीन। तो 3 की -0.4 है, तो इसके रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी हो गई है नीचे वाली? -1.2 तो +1.2 एंड -1.2, नेट कितना हुआ? अरे, नेट कितना हुआ? तो इस जीरो एनर्जी लाइन को बैरी सेंटर बोलते हैं, इसे एवरेज मीन एनर्जी लाइन बोला जाता है। इसके रिस्पेक्ट में जो डेल्टा मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ईजी सेट की 0.6 डेल्टा वो बड़ी है, और इसके रिस्पेक्ट में T2G सेट की -0.4 डेल्टा O नॉट, डेल्टा वो नीचे है, कॉर्ड ये 0.6 और 0.4 कैसे आया? और ये समझ में आया कि जो ऑर्बिटल बीच में है वो कम रिपेल करेंगे, उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी, जो ज्यादा मतलब ऑर्बिटल के अलग एक्सेस के लॉन्ग है उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। इतना समझ में आया? हाँ फैक्टर्स ऑन विच स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स, किन फैक्टर जिनके ऊपर स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करता है? पहला, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। यार एक बार बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या होता है? उनका ना अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की जो अप्रोचेबिलिटी है ना वो टूवर्ड्स सेंट्रल मेटल आटम बहुत ज्यादा हाई होती है। जब वो सेंट्रल मेटल आटम के ज्यादा पास पहुंचेंगे तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े उनको ज्यादा रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अगर वो ज्यादा रिपेल करेंगे उन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को, तो ईजी का जो एनर्जी है वो और बढ़ेगा, T2G का एनर्जी है वो और कम होगा, और ज्यादा एनर्जी गैप आएगा। बोलो हाँ या ना? तो हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो है ना, अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आर क्लासिफाइड एज, द लीगेंड्स आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, द लीगेंड्स विच आर मोर अप्रोचेबल टूवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम एंड हेंस विल रिपेल द डी ऑर्बिटल मोर स्ट्रॉन्गली, व्हेन द वीक फील्ड लीगेंड विल अप्रोच विल रिपेल द डी इलेक्ट्रॉन वेरी फीबली, राइट? बिकॉज द अप्रोचेबिलिटी इज नॉट वेरी हाई। सो जस्ट टेल मी, ये तुम्हारा स्प्लिटिंग एनर्जी का वो है, तुमको पहले ही बताया था, राइट? जो अमोनिया से लेकर कार्बन मोनोक्साइड तक ये सारे क्या हैं? नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर, ये क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? स्ट्रॉन्ग गाइस, हाँ, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से क्या होता है, जो स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी गैप बढ़ जाता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो स्ट्रॉन्ग हाँ फील्ड लिगेंड ज्यादा डेल्टा हो, वीक फील्ड लिगेंड कम डेल्टा हो, ठीक है? नाउ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आटम। यार एक बार बताओ, अगर M2+ है और M3+ है, तो लिगेंड को स्ट्रॉन्गली कौन खींचेगा, M2+ की M3+? 2+ लिगेंड को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा कि 3+ लिगेंड को ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा? प्लस अगर 3+ लीगेंड को ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा तो लीगेंड ज्यादा पास आएगा ना सेंट्रल मेटल आटम के। अगर हाँ लीगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल आटम के ज्यादा पास आ गया, तो जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं मेटल आटम के पास, उनको ज्यादा रिपेल करेगा या कम रिपेल करेगा? ज्यादा ज्यादा रिपेल करेगा, तो जो एनर्जी गैप होगा दोनों के बीच में बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अगर एनर्जी गैप बढ़ गया तो तुम्हारा, पता है ये देखा जाता है कि जो M2+ के अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी है ना वो M3+ के अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 1.5 टाइम्स M2+ के रहती है, और ये एक पोटेंशियल आईआईटी क्वेश्चन है। किसने बोल दिया एनर्जी इन M2+ कॉम्प्लेक्स इज दिस मच एंड कैलकुलेट द एनर्जी इन, क्या कहते हैं, M3+ कॉम्प्लेक्स जस्ट मल्टीप्लाइड विद 3/2, अंडरस्टूड? तो ये डेटा पता होना चाहिए। गॉट इट? हाँ,
रिगार्डिंग कंसीडरिंग द सेम सेंट्रल मेटल एटम एंड द सेम सेट ऑफ लिगेंड्स. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल के फोर एफ सी एन सिक्स एंड के थ्री एफ सी एन सिक्स. के थ्री एफ सी एन सिक्स के अंदर आयन के पास थ्री थ्री प्लस चार्ज है और के फोर एफ सी एन सिक्स के पास आयन के पास प्लस टू चार्ज है. तो जो डेल्टा होगा के थ्री सी एन सिक्स का के थ्री एफ सी एन सिक्स का 1.5 टाइम्स डेल्टा नॉट ऑफ के थ्री के फोर एफ सी एन सिक्स होगा. बात समझ में? अरे बात समझ में. ओके. नाउ नेचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. यार एक बात बताओ, डी ब्लॉक के अंदर जब तुम नीचे जाते हो, ऊपर से नीचे जाते हो, राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर आते हैं. वेकेंट डी एन एफ ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग है वो क्या होता है? जब डी ऑर्बिटल के डी ब्लॉक के नीचे आते हो, नीचे इफ यू गो डाउन द डी ब्लॉक सीरीज, द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट इलेक्ट्रॉन्स get filled in vacant DNF orbitals, right? Yeah. The effective other screen shielding of DNF orbital electrons is what? The shielding of DNF orbital electrons is what? Is negligible. What about the effective nuclear charge? Won't change. अगर नेगेटिव चार्ज सराउंड जो पॉजिटिव चार्ज को कर रहा है, अगर उसको कम शील्ड कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में लगेगा ज्यादा या कम लगेगा? अगर कम न्यूट्रलाइज हो रहा है तो अगर शील्डिंग कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो लिगेंड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि वीकली अट्रैक्ट करेगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो लिगेंड पास आएंगे कि दूर जाएंगे? अरे पास आएंगे कि दूर जाएंगे? अगर पास आएंगे तो लिगेंड डी ऑर्बिटल्स को ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेगा, कम स्ट्रांगली रिपेल करेगा? ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेगा. डेल्टा वो बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. तो ये देखा जाता है 3D से अगर 4D सीरीज में जाओ ना, और 4D से 5D सीरीज में जाओ, तो 3D से 4D पे 30% इफेक्ट डेल्टा वो बढ़ता है, और 4D से 5D पे 50% डेल्टा वो बढ़ता है. गॉट इट? गेटिंग? और इसीलिए ना प्लैटिनम 2+, पैलेडियम 2+ और गोल्ड 3+ जो 4D एंड 5D को बिलोंग करते हैं, इनके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाता है कि वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है. इसलिए इनके जब चार नंबर वाले कोऑर्डिनेशन नंबर चार जब होता है तो सारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं, हर जगह पेयरिंग होती है. गॉट इट? चाहे वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ले लो, वीक फील्ड लिगेंड ले लो, सब पेयरिंग करके उसको स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं. गॉट इट? Yes. इतना समझ में आया सबको? हेलो, समझ में आया इतना? वेरी गुड. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन द ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है यार, एक बार बताओ तुम्हारे पास ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है. ठीक है, मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और वीक फील्ड लिगेंड होता है. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर जो डेल्टा हुआ है वो ज्यादा होता है, और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर डेल्टा हो क्या होता है? अरे क्या होता है? नहीं होती है. कम होता है. कम होता है. क्या होता है? कम होता है. गॉट इट? अरे हाँ है ना. अरे काम करें. क्या? नहीं वही पूछ रहा हूँ, क्या काम करें? हाँ तो बोल दिया तूने, क्या काम करें? आपका सजेशन का काम करने का काम भी आप ही बता रहे. क्या कह रहे बे? आपका सजेशन का काम करने का तो काम भी आप ही बता रहे. नाचेगा? वो काम नहीं है. हो तू डिसाइड करे, मैं डिसाइड करूंगा. यूज़लेस आदमी. नाचेगा? नहीं सर. कैमरा ऑन कर. नचाते हैं तेरे को. कैमरा ऑन कर, नचाते हैं तेरे को. ऐसा रहने दो प्लीज.
नहीं आज तेरे को दिखाते हैं काम काम क्या होता है भाई। अरे सर 4 घंटे का एम ऑन द कॉमर्स हो क्या? लिसन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो डेल्टा ओ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बड़ा है, और जो डेल्टा ओ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। ठीक यार एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताओ ना। हाँ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ओबो अंकल, बोलो। हाँ। अब जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम करोगे तो यार पहला इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा लोअर एनर्जी पे, राइट है ना। जिंदगी कैसी है पहेली, सर ये भी हाय रिकॉर्ड हो रहा है। कभी ये हंसाए छुपे कभी ये रुलाए। ना 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 ना। अब ठीक है। हाँ जी सुनो, पहला इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, बोलो। हाँ बिकॉज लोअर एनर्जी यही है, करेक्ट। अरे करेक्ट। जब हाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को पैरिंग करवाऊं कि यहाँ पे लेके आऊं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पैरिंग करवाते हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, बता दो। लोअर पैरिंग नहीं करेंगे, दो आएगा तीन आएगा, सिमिलरली पहला यहाँ आएगा दूसरा यहाँ आएगा तीसरा यहाँ आएगा, कोई डाउट? अब चौथा इलेक्ट्रॉन, अब चक्कर क्या है, चौथे इलेक्ट्रॉन के पास ना दो चीजें हैं यार। चौथे इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन ये है कि यार ये पैरिंग कर ले या स्प्लिटिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ले अपनी पोजिशन, कोई डाउट? तो दो चीजें हैं, या तो वो पैरिंग कर ले अंदर ही अंदर, या फिर डेल्टा नॉन डेल्टा हो लेके ऊपर ट्रांजिशन करे चौथा इलेक्ट्रॉन। पहले तीसरे तीन इलेक्ट्रॉन में कोई इश्यू नहीं है बिकॉज सारी एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन पैरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल करेगा, पैरिंग नहीं होगी। गॉट इट गॉट इट। अब क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन जब डालोगे तो चौथे इलेक्ट्रॉन में डिपेंड करेगा, ठीक है, जो भी प्रोसेस इस नेचर में होता है वो कम एनर्जी यूज करता है कि ज्यादा एनर्जी यूज करता है। अगर किसी को कोई काम करने का है, अगर वो कम एनर्जी लेके बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा एनर्जी लेके बढ़ रहा है तो कम स्टेबल होगा, तो क्या करूँ, कम एनर्जी दूँ कि ज्यादा एनर्जी दूँ? अच्छा अब इसके अंदर ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर जो स्प्लिटिंग एनर्जी वो बहुत ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन पैर करता है तो उसको पैरिंग एनर्जी लगती है, तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी पैरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो मुझे बताओ कम एनर्जी कौन सी है, पैरिंग की या स्प्लिटिंग की? अबे पैरिंग की कि स्प्लिटिंग की? पैरिंग पैरिंग की कम एनर्जी है तो क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन पैर अप करेगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, पैरिंग हो जाएगी, और यहाँ पे पैरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो पैरिंग करवाऊं कि ऊपर भेज दूं उस इलेक्ट्रॉन को? गॉट इट। यहां से डिफरेंस आना शुरू होता है, फिर पैरिंग हो जाएगा, फिर पैरिंग हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा चौथा इलेक्ट्रॉन पांचवा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे पैरिंग होगा। गॉट इट अंडरस्टेड। तो तुमको कल ना मैंने एक जुगाड़ बताया था वीबीटी में, मैंने कहा था पेयरिंग तभी करोगे जब लास्ट के दो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? तो खुद ही सोचो ना कि चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर रहा है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पहले वीबीटी में यहाँ पे आ रहा था जिसको तुम जबरदस्ती यहाँ पे लेके आके पेयरिंग करवा रहे थे, बोलो हाँ या ना? और मैंने क्या हाँ कहा सर था, पैरिंग पैरिंग इन तीनों के बीच में नहीं होगी, वो लास्ट के दो डी ऑर्बिटल में हो तो उसको पैर अप कर देना। गॉट इट। और वो तब होता है पैरिंग जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, बोलो हाँ या ना?
अरे हाँ या ना। हाँ सर। ओके नाउ अंडरस्टैंड, एक पर्टिकुलर टर्म होता है सीएफएससी, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। बोलना जरा दोबारा बोलो। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। नाउ दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू द बैरी सेंटर ड्यू टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स। मतलब जब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बैरी सेंटर के हिसाब से इनके पास कितनी एनर्जी है, उस चीज को हम सीएफएससी बोलते हैं। गॉट इट? या आप मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है यहाँ पे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D10 तक आ गए यहाँ पे भी। तो पहला इलेक्ट्रॉन अनपेयरिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉन अनपेयरिंग, तीन इलेक्ट्रॉन, तो पहला दूसरा तीसरा इन तीनों जगह पे सेम होंगे। बोलो, हमने ये डिस्कस किया। तो पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है तुम्हें पता है ना, ये -0.4 डेल्टा होता है, राइट। और ये +0.6 डेल्टा होता है विद रिस्पेक्ट टू बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर के हिसाब से इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, -0.4 डेल्टा हो। या दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो जाएगी, -0.4 डेल्टा ओ इंटू टू। अरे इंटू टू बाबा, हाँ सर। -0.4 डेल्टा हो इंटू थ्री। सो 0.4 डेल्टा हो, 0.8 डेल्टा हो, -1.2 डेल्टा हो, यहां तक ये सिचुएशन सेम है। प्रॉब्लम कहाँ से आती है, प्रॉब्लम कहाँ से आती है दोनों के बीच में? हाँ चलो प्रॉब्लम हाँ, हाँ चलो प्रॉब्लम चौथे इलेक्ट्रॉन से पैरिंग शुरू होती है। जब पैरिंग शुरू होगी दोनों तुम्हारा, अरे बाबा, जब यहाँ पे लास्ट पैरिंग में होती है टू और यहाँ पे ऊपर चला जाता है, ईजी में आता है, ठीक अच्छा। है। तो अगर पैरिंग होगी तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 × -0.4 डेल्टा हो, और ये हो जाएगा 4, 3 × -0.4 डेल्टा हो, 1 × 0.6 डेल्टा हो, तो -0.6 डेल्टा हो बचेगा, इसमें -1.6 डेल्टा हो बनेगा। बोलो हाँ। हाँ D5 के अंदर क्या होगा, पांचों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो -2 डेल्टा हो, इसके अंदर सिर्फ डेल्टा हो, 0 डेल्टा हो, बिकॉज सब कैंसिल हो जाएगा। फिर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, -2.4 डेल्टा हो, सो ऑन। बात समझ में आई, बात समझ में आई, हाँ वेरी गुड। तो दैट इज नथिंग बट योर सीएफएससी, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच फेवर्स ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सिमेट्रिकल ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स। यार एक बात बताओ, मेरे पास ना ऑक्टेटल ज्योमेट्री के अंदर ये दो डब्बे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा DXY है, DYZ है, और ये DZX है। ये तुम्हारा DX²-Y² है, और ये DZ² है, ठीक है। ये इन बिटवीन द एक्सेस है या अलॉन्ग द एक्सेस है? बोलो हाँ। हाँ यार एक बात बताओ, जब तीन इलेक्ट्रॉन, जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ना सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो नेगेटिव चार्ज है वो सिमेट्रिकल है हर डायरेक्शन में, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। जब सेंट्रल मेटल एटम में आसपास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है डी ऑर्बिटल के अंदर, तो लिगेंड जो है वो हर एक एक्सिस से इक्वली पास आएंगे। इक्वली पास आएंगे तो तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रेगुलर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब चक्कर क्या है, दूसरी चीज, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं इस डी ऑर्बिटल के अंदर, तो यार DXY के बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यार XY प्लेन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, YZ प्लेन और ZX प्लेन में डाला क्या? तो अलॉन्ग Z एक्सिस जो नेगेटिव चार्ज फील्ड होगी वो सेम रहेगी कि अलग होगी? बाबा अगर मैंने DXY में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया बीच में, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया बिटवीन द एक्सेस, क्या जेड एक्सेस में कोई नेगेटिव चार्ज आया क्या? नहीं ना।
और आया एक्स और वाई के बीच में आ गया क्या, जेड में आया नहीं, तो क्या नेगेटिव चार्ज फील्ड सेंट्रल मेटल लास के आसपास सिमेट्रिकली होगी क्या? क्या हर एक एक्सिस में सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा? जब एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल के अंदर आ जाए, जब एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा तो डी एक्स वाई के बीच में, डी वाई जेड के बीच में, डी जेड एक्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग उनका कॉम्पोनेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम रहेगा ना हर जगह, तो रिपल्शन अलॉन्ग ऑल द एक्सिस सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? अरे तुम्हें समझ में आ रही है मैं? हाँ अलग आई यार, अजीब आदमी हो तुम। एक बार बताओ, ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई, ये तुम्हारा ये डी एक्स वाई है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या कहते हैं डी वाई जेड है, और ये तुम्हारा डी जेड एक्स है। तो एक बताओ, इस प्लेन के अंदर नेगेटिव चार्ज, इस प्लेन के अंदर नेगेटिव चार्ज, और इस प्लेन के अंदर नेगेटिव चार्ज, सब जगह नेगेटिव चार्ज, अगर मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों का मिला के एक्स वाई और जेड एक्सिस में सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? नेगेटिव चार्ज। अगर वो सेम रहेगा तो लीगेंड जो होंगे सेंट्रल मेटल के आसपास जो आ रहे होंगे वो सिमेट्रिकल वे से रिपेल करेंगे कि अनसिमेट्रिकल वे से रिपेल करेंगे? सिमेट्रिकल वे से रिपेल करेंगे तो कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा जिसमें परफेक्ट ऑक्टेटरल बनता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो या वीक फील्ड लीगेंड हो, डी जीरो डी थ्री स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, और बताओ, और बताओ कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? पहला डी थ्री बताया तुमने, उसके अलावा डी फाइव, डी फाइव, अच्छा डी फाइव का पॉसिबल है स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड? वीक फील्ड, बिकॉज पेयरिंग नहीं हो रही है, वीक फील्ड, तो डी फाइव वीक फील्ड, चेक कर लो डी फाइव वीक फील्ड। उसके बाद डी ए बेटा डी सिक्स, डी सिक्स के अंदर पूरा पैरिंग होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चेक कर लो, राइट? डी एट तुमने बोला, राइट? डी एट के अंदर वीक फील्ड लिगेंड, और डी टेन जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड। गॉट इट? यस। Understood. This is awesome. How you have to find out whether I'll be getting a perfect octahedral or not. Got it? Now, इसके अंदर ना लोग बोलते कि जो डी एट कॉन्फिग्रेशन है ना, कौन कौन सी डी एट कॉन्फिग्रेशन जो हमने ये वाली बनाई, एक दो तीन और एक दो, यार ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी पॉसिबल है और वीक फील्ड में भी पॉसिबल है। मैंने बोला जो डी एट है ना सिर्फ वीक फील्ड लीगेंड में परफेक्ट ऑक्टाइडल बनाता, स्ट्रॉन्ग फील्ड में नहीं बनाता, ऐसा क्यों? यार एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पास आते हैं कि दूर पास, मतलब कम पास आते हैं सेंट्रल मेटल एटम के? कम पास आते, कम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड ज्यादा पास आते हैं कि कम पास आते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, राइट? स्ट्रॉन्ग ज्यादा पास आते हैं। तो एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड लिया तो चार लीगेंड जो हैं वो बहुत ज्यादा पास आ गए, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो ये जो लोब्स हैं ये चार लीगेंड से रिपेल कर रहे हैं, और ये जो लोब है ये कितने लीगेंड से रिपेल कर रहा है, डी जेड स्क्वायर वाला दो, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चार लीगेंड से रिपेल करते हैं, डी जेड स्क्वायर दो से करेगा, तो और ये बहुत ज्यादा पास में, अगर दूर होते तो इतना मैटर नहीं करता,
अगर बहुत ज्यादा पास आ गए तो मैं कह सकता हूँ ना कि dx² इतना ज्यादा रिपेल करता है कि उसकी एनर्जी इवेंचुअली ज्यादा हो जाती है dx से, dz² से। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d8 ऐसे रहती है ना, उस d8 कॉन्फ़िगरेशन में जो z² है ना, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो dz² के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, dx² - y² अंदर y² खाली हो गया। तो शैल आई से दैट जेड एक्सिस के अलोंग ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन और एक खाली है। पहले हाँ दोनों के पास एक एक था, क्योंकि इसका ज्यादा रिपल्शन होता है, इसका एनर्जी बढ़ गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी नीचे आ गया, है ना, कम एनर्जी वाले लाइन पे। तो ये d8 के अंदर प्रॉब्लम होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड d8 के अंदर प्रॉब्लम होती है जब तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हो, वीक फील्ड लिगेंड में इतना नहीं मैटर करता। तो चक्कर क्या है, अगर ऐसा हुआ तो जेड एक्सिस में जो है वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो जो लीगेंड्स होंगे ना जेड एक्सिस के अलॉन्ग वो दूर रहेंगे इससे, और चार लीगेंड जो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, बिकॉज एक्स और वाई में नेगेटिव चार्ज नहीं है तो पास हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा ना कि एक ऑक्टेडल को मैंने खींच दिया ऊपर नीचे, तो इलांगेशन हो गया, राइट। अरे जब हाँ एक्स सर, जेड जेड, तो इसको बोलते हैं टेट्रागनल इलांगेशन। क्या बोलते हैं? टेट्रागनल इलांगेशन क्या बोला जाता है? टेट्रागोनल और ये इलांगेशन तब आता है जब डी एट जो है वो स्ट्रॉन्ग स्पीड लिगेंड के साथ इंटरैक्ट करता है, तो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबल नहीं रहता, बिकॉज सिमेट्रिकल नहीं रहते। गॉट इट? या इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है, ठीक है। थक गए? चलो कोई नहीं, एक काम करो, ये स्क्वायर पे ना टेट्राहेड्रल पढ़ लेना, ठीक है, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। मैं एक काम करता हूँ, तुमको आज वाले नोट्स भेज देता हूँ, है ना। सीसी था ना अपना, अदर ऐप वेदांत तेरा जो वो है, क्या कहते हैं वो, अरे क्या हो गया, जिंदगी, एक मिनट, अमर वेदांत तेरा 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 वो कहाँ है नाम, वेदांत स्टूडेंट, और कोई एक है इधर, सिमरन यू आर देयर? यस सर। ये दूसरी स्टूडेंट है, एनीवेज त्रिशा को सिलेक्ट किया, वेदांत स्टूडेंट त्रिशा ने चाहिए, सेंड करो। ओके एक काम करो, ठीक है, वेदांत उस ग्रुप में डाल दियो अपने, है ना। हाँ ठीक है, अच्छा एक बात बता, अरे एक काम करेगा मेरा, हाँ सर, कैमरा ऑन कर, सॉरी सर, एंड कर तो कुछ दिख नहीं रहा बेटा। हाँ पास लेके जरा शक्ल के कैमरा, मुस्कुरा के रह बे, आज का काम बता, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। हाँ साहब को मैसेज कर दो। ना 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 ना, सब्जेक्टिव किए कि नहीं किए? मैसेज तो ठीक है, सब्जेक्टिव किए कि नहीं किए? नहीं, आज सुबह भी क्लास थी, शाम को भी क्लास थी, कल का भी नहीं भेजा तुमने? हाँ, कल भी सब्जेक्टिव नहीं किए, कल करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा था मैं, और आज इंटीग्रेशन किया, तो मेरे को तो भेज रहा है ना, ठीक है भेज देता हूँ। चलो गाइस, यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, है ना,
और बेटा सब्जेक्टिव खत्म करके दे मेरे को इसी हफ्ते। हाँ बोल तो रहा है बट कर दियो। हाँ सर संडे तक हो जाएगा ठीक है, भाई सर। बाय, गुड नाइट।